आदाब, नमस्कार, हेलो, केंचो, कत्सकाय, सत श्री अकाल, कॉफी टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, मैं आपकी दोस्त, आपकी कहानीकार, आपकी सलाहकार प्रेरणा सोफी आप सबके बीच, आप सब से बातचीत करने आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर आ गए हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि आपकी स्टोरीज तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, पर हम जानना चाहते हैं कि कौन है ये प्रेरणा सोफी जिसकी आवाज़ हमारे को इतना सुकून देती है। ये मैं नहीं कह रही, आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक से। सो ना ना ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू, मैं वाह बिल्कुल नहीं। तो आज मैं आप सबको बताने आई हूँ कि कौन है ये प्रेरणा सोफी जिसके चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और इतना पसंद करते हैं। एक छोटे से नमूना तो आप देख चुके हैं मेरी विस्लिंग का। यस, आई लव विस्लिंग, बहुत अच्छा लगता है। कहानियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके जब उन कहानियों के अंदर एक मैसेज होता है और वो मैसेज हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे को कुछ मोटिवेट कर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, लोगों को हंसना हंसाना, खूब सारी बातें करना, शिनचैन की आवाज़ में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी जो भतीजी है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसके साथ एक टीवी चौक पे बात करती हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ आरजे गुगू जिसने आप सबको उस छोटे बच्चे की कहानी सुनाई थी। अच्छी थी ना? तो ये थी मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन आप सबको बताने के लिए। और हाँ, आप सोच रहे हैं ये खूबसूरत झरना, ये जगह कौन सी है? ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित इस्लामिक सेंटर है जहाँ पे आज मैं आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। एज अ व्यूअर देखना चाहती हूँ कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो यहाँ पर अपने म्यूज़िकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी म्यूज़िकल जर्नी का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो आप सबके पास में लेकर आएंगे उसकी कुछ झलक इस वीडियो के एंड में। तब तक भूलना नहीं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप ऑन स्माइलिंग। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ऑडिटोरियम पीछे है, इसी ऑडिटोरियम के अंदर कुछ देर में परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए, मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे, मेरी मोहब्बत की
फिर से मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रूप में एक नई जगह पर। तब तक keep on smiling।